दोस्तों, दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का नाम टॉप पर आएगा, जो अपने देशवासियों पर तरह तरह के नियम कानून लगाकर उन्हें कठपुतली की तरह नचाते हैं। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि उनकी तानाशाह अपने देशवासियों पर जितनी दिखाते हैं ना, उनसे कई ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में आराम और अय्याश भरा हुआ है। नॉर्थ कोरिया के लोगों पर ऐसे ऐसे कानून लगाए जाते हैं जिससे उन लोगों के भीतर इंडिपेंडेंस लाइफ का एक बिगेस्ट ड्रीम ही बनकर रह जाता है। नॉर्थ कोरिया की मीडिया पर भी बहुत सख्त पैरा होने के कारण वहां से कोई भी जानकारी बाहर नहीं आ सकती। नॉर्थ कोरिया के लोगों और वहां की लाइफ स्टाइल के बारे में केवल हमें वही पता होता है जो वहां की सरकार चाहती है। हम आप पर यकीन करते हैं कि आप हमारी यह वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आज हम आपको नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की पत्नी के जीवन और उनके कुछ बड़े सीक्रेट आपको बताने जा रहे हैं जो उन्होंने अपने ऊपर नियम भी लगाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को बाय इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 रूल, नेम चेंज। सो दोस्तों, हमारे भारत देश में ज़्यादातर महिलाएं शादी के बाद अपना सरनेम चेंज कर लेती हैं। भैया सरनेम ही चेंज करती हैं, बाकी नाम तो खुद से कर लेती हैं, बाबू सोना मोना। बट दोस्तों तब क्या हो, तब कोई अपना पूरा असली नाम ही चेंज कर दे, सुनने में बेहद ही अजीब लग रहा हो। पर किम जोंग के तानाशाह ने ठीक ऐसा ही करा, अपनी बीबी रिसूल का नाम ही चेंज करवा दिया, जो कि आज किसी को कानो कान भनक नहीं है और सब लोग उन्हें सिर्फ रिसूल के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने अपनी बीवी का सारा नाम और बायोडाटा गूगल वगैरह सब जगह से मिटवा चुके हैं, ऑलमोस्ट परमानेंटली डिलीट करवा चुके हैं। और उनकी अब असली बीवी का नाम क्या रखा है उन्होंने, वह अभी तक किसी को नहीं पता। बस जिसको भी पता है ना, वो रिसूल जू ही पता है, और शायद कुछ लोगों को वो भी नहीं पता होगा। खैर चलिए चलते हैं नंबर 2 रूल की तरफ, प्रेगनेंसी। दोस्तों हमारे भारत देश में जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो वह सभी को पता चल जाती है, फिर चाहे वो पड़ोस में हो या फिर टीवी एक्टर्स हो, वह बहुत सुर्खियों का हिस्सा बन जाती है। पर दोस्तों जब बात नॉर्थ कोरिया की आती है ना, तो मामला भाई पूरी तरह से पलट जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज तक किसी को यह पता नहीं चला कि रिसूल जू प्रेग्नेंट हुई भी है या नहीं। अगर हुई है तो वह कितनी बार हुई है, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें कितने सख्त कानून है। बताओ किसी को पता तक नहीं चला, और उनके कितने बच्चे हैं ना ही यह पता आज तक किसी को। नंबर 3, मॉर्निंग। भला दोस्तों अब शौक किसी को पसंद नहीं है, शौक बहुत बड़ी चीज़ है, पर उससे बड़ी चीज़ शेक नहीं है। खैर ये मुझे भी नहीं पता मैंने ये क्या बोल दिया, बट दोस्तों जब बात आती है ना मॉर्निंग की, तो भाई शौक किसे पसंद नहीं है। हर कोई अपने पति अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ फैमिली के साथ घूमना चाहता है, पर भाई साहब किम जोंग को तो अब अलग ही है। वे अपनी वाइफ को इस तरह पिंजरे में बंद करके रखते हैं ना कि वह किसी को दिखाना ही नहीं चाहते। बट कभी कभी अपनी बीवी को साथ ले जाते हैं, पर ज़्यादातर वे अपनी बीवी पर इस तरह का कब्जा करके रखते हैं ना कि उन्हें हमेशा घर पर ही छोड़ कर जाते हैं, और जब उनसे कुछ सवाल पूछे आते हैं तो वह उसको कट करवा देते हैं, या फिर अपनी बीवी रिसूल जू को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, और जो यह सवाल उनसे पूछता है ना इंटरव्यू में, उसे बहुत ही बुरी सजा दी जाती है। भाई साहब क्या ही बताऊँ, चलो रहने दीजिए। नंबर 4, फैशन। अब भला आप ये सोच रहे होंगे कि वह किम जोंग की पत्नी तो फैशन तो करती होंगी, और वह वैसे भी इतना खास दिखती है, तो कोई ना कोई तो फैशन होगा ना जो वह करके आती हैं, इतना सिंपल और आसान फैशन। पर दोस्तों हकीकत जो हम सोचते हैं ना, वह हमेशा होती नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, किम जोंग उन ने उनके ऊपर बैन लगाया हुआ है कि वह किसी भी तरह का फैशन नहीं कर सकती, और इन्हें कपड़े भी किम जोंग के हिसाब से ही पहनने पड़ते हैं जो किम जोंग ने उनके लिए स्पेशल बनवाए हुए हैं। अगर वह पहन लेती हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दंड भरा कष्ट झेलना पड़ता है। अब भला कौन लड़की नहीं चाहती कि वह अच्छी दिखे, और उसका पति जब किम जोंग जैसा हो, अपनी लाइफ अय्याश में जी रहा हो, तो भाई उसके लिए तो खुली छूट होनी चाहिए ना। पर दोस्तों उसकी पत्नी के लिए इतना भी नहीं है, वह उसी की पसंद के कपड़े पहनेगी और जो वह कहेगा वही करेगी। अब आप देख लीजिए कैसा है ये तानाशाह। नंबर 5, लास्ट 8 कोर्टशिप। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि रिसूल जू की शादी के बाद ही इनकी ज़िंदगी में नियम कानून आए हैं, भले ही उनकी शादी से पहले भी उनकी ज़िंदगी में नियम कानून लग गए थे। दरअसल रिसूल जू की शादी से पहले किम जोंग और जब उनके संबंध बनना शुरू हुए थे, मतलब आपस में उनका मेल ताल जब हुआ था ना, तो किम जोंग ने तभी उस समय उस पर नियम कानून लगा दिए थे, जैसे कि आप अब किसी मर्द से नहीं मिल सकती, मेरे अलावा किसी को नज़र उठा के नहीं देख सकती, छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, और भी बहुत सारे नियम कानून लगाए गए थे। हालांकि जब रिसूल जू और किम जोंग आपस में मिला करते थे, तो लोगों को पहले इन पर शक हो गया था कि इन दोनों के बीच में भाई कुछ ना कुछ तो है, जो आपस में रहते हैं और उसके नियम का पालन भी करती है लड़की।
अब भला दोस्तों इतने ज़्यादा कड़क और इतने सारे नियम कानून कौन रखता है। चलो देशवासियों पर भी नहीं तो अपनी बीवी पर तो मत रखो भाई, देशवासियों पर भी मत रखो। खैर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर दोस्तों आपका क्या कहना है इन सब को लेकर आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। मैं कल मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप दें मुझे आज्ञा, धन्यवाद।